नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर प्रशासन ने एक और बड़ा झटका दे दिया। प्रशासन ने आजम खान के मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा कार्यालय को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रशासन द्वारा ये एक्शन बीते 10 नवंबर को किया गया। बता दें कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने इस प्रकरण को अंजाम दिया। रामपुर प्रशासन द्वारा इन दोनों प्रॉपर्टी को अब सील कर दिया गया है। रामपुर जिले के जिला विश्वविद्यालय निरीक्षक ने आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के कब्जे वाले एक भवन को खाली करने का नोटिस 2 नवम्बर को जारी किया था। इससे पहले 31 अक्टूबर को यूपी कैबिनेट ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लीज करने पर 41,000 वर्ग फुट से अधिक की जमीन को स्वामित्व वापस लेने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी थी और इसे राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया गया था। बता दें कि रामपुर किले के निकट स्थित पुराने मुतर्जा स्कूल भवन को पहले ही DIOS का कार्यालय हुआ करता था और समाजवादी पार्टी सरकार में मोहम्मद आजम खान ने मंत्री रहते हुए इसे मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम 100 रुपए प्रति साल पर आवंटित कर लिया था, जिसके बाद अब आपको बता दें कि रामपुर प्रशासन ने ये बड़ा फैसला यहां पर उठा लिया है। जानकारी दे दें, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद आजम खान, उनकी पत्नी तंजिम फातिमा, बेटा अब्दुल्ला आजम इस वक्त जेल में बंद है। अदालत ने उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।